देश में कोरोना संक्रमण के मामले अब बढ़कर 10.5 लाख से ज्यादा पहुंच चुके हैं। पूरी दुनिया में 1,40,00,000 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। ऐसे में अब लोगों की उम्मीद है कोरोना वैक्सीन से, और हर कोई सवाल कर रहा है कि आखिर कोरोना की वैक्सीन कब तक आएगी। इससे जुड़ी आपको एक अच्छी खबर बता देते हैं। स्वदेशी कोरोना वैक्सीन पर सबसे अच्छी खबर जल्द मिलने वाली है, क्योंकि देश के 12 संस्थानों में इस वैक्सीन पर मानव परीक्षण का काम शुरू हो गया है। जिन 12 संस्थानों में कोरोना वैक्सीन को लेकर मानव परीक्षण का काम चल रहा है, उनमें दिल्ली और पटना के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स और हरियाणा के रोहतक का PGI भी शामिल है। स्वदेशी कोरोना वायरस पर सबसे बड़ा परीक्षण दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में कल से शुरू होगा। ये परीक्षण कुल 375 लोगों पर होना है। इनमें 100 वॉलंटियर पर परीक्षण होगा। एम्स एथिक्स कमेटी ने वैक्सीन ट्रायल शुरू करने का परमिशन दे दिया है। हम उनका रजिस्ट्रेशन करने के बाद से जो है एक जांच प्रक्रिया करेंगे, और उसके बाद से अगर वो हेल्दी हैं तो हम उनको जो है वैक्सीन देंगे। अगर आप 18 से 55 साल तक की उम्र के हैं, शारीरिक तौर पर स्वस्थ हैं, दिल्ली या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रहते हैं, तो 7428847499 पर कॉल करके या फिर SMS करके या ctaims.covid19@gmail.com पर मेल करके आप इस परीक्षण का हिस्सा बन सकते हैं। दिल्ली एम्स के साथ साथ पटना एम्स में भी कोरोना वैक्सीन के मानव परीक्षण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। एम्स पटना में 10 वॉलंटियर को ये वैक्सीन दी गई है। इनमें से एक है 26 साल के चंदन। पटना एम्स की ओर से चंदन पर हर दिन कोरोना वैक्सीन का परीक्षण किया जा रहा है, और उसके बाद उन्हें 2 घंटे तक निगरानी में रखा जाता है। मेरी वजह से किसी और की जिंदगी बच जाए, इससे बड़ा कोई हो नहीं सकता, इससे बड़ा कोई धर्म भी नहीं है। तो मैंने सोचा कि मुझे करना है, और डेडिकेशन के साथ करना है। ऐसा नहीं कि मतलब कोई प्रेशर दे रहा है, करना ही करना है, नहीं, अपने मन से, अपने मर्जी से मतलब करना चाहते हैं। पटना एम्स में वैक्सीन परीक्षण में शामिल किसी भी वॉलंटियर में कोई भी साइड इफेक्ट होने की जानकारी अब तक नहीं है। इससे पहले हरियाणा में रोहतक के पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में भी कोरोना वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो गया है। यहाँ डॉक्टरों ने 3 वॉलंटियर्स को वैक्सीन की पहली डोज दी है। फर्स्ट फेज के अंदर हम 10 पेशेंट एनरोल करेंगे, और आने वाले सप्ताह के अंदर भारत बायोटेक के सहयोग के साथ और भी पेशेंट एनरोल कर सकते हैं, और 14 दिन के बाद में एक सेकंड डोज भी दी जाएगी, और उसके बाद इसका जो एडवर्स इफेक्ट भी देखे जाएंगे और एंटीबॉडी लेवल कितना बनता है इसे भी स्टडी किया जाएगा। ICMR और भारत बायोटेक मिलकर कोरोना वायरस के लिए जो वैक्सीन बना रहे हैं उसके मानव परीक्षण में कुल 375 वॉलंटियर पर ये ट्रायल किए जाएंगे। 3 चरणों में होने वाले इस ट्रायल में पहले चरण की शुरुआत हो चुकी है, और शुरुआती नतीजे वैज्ञानिकों के लिए उत्साहवर्धक हैं। दिल्ली से पूजा मक्कड़, रोहतक से राज ताकिया और पटना से नवजीत कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, Zee Media।